में बन रहा है पोहा, और वो भी नई तकनीकी से। इसमें चिवड़ा भिगोया गया है और भिगोने के बाद उसका पानी निचोड़ा जा रहा है। तो देखो, कटोरी सहित पानी निचोड़ा जा रहा है। और इसके साथ ही हमने मूंगफली भिगो रखी है थोड़ी सी। पहले दिन आज हम बना रहे हैं, तो ट्राई करेंगे कैसा लगता है खाने में। अच्छा लगा तो अगले दिन फिर ट्राई करेंगे, ट्राई एंड ट्राई एंड ट्राई। बट पहले देखेंगे लगता कैसा इसका स्वाद। पैन फ्राई गर्म होने के लिए, और इसके साथ ही मैंने प्याज काट रखा है और हरी मिर्ची काट रखी है, और ये तेल पड़ रहा है। देखो, ये देखो तेल आ गया आपके पैन फ्राई में। अब जस्ट इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा कि पोहा बनके रेडी है। हमारे जो शेफ हैं वो बहुत ही उम्दा पोहा बनाते हैं कि देख के ही लोगों के मुंह में पानी। भाइयों और बहनों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जो पैन फ्राई है उसमें मिर्ची और प्याज का तड़का लग चुका है, और अब इसमें थोड़ी देर में ही पड़ेगा आपका चिवड़ा, जिसे कहते हैं पोहा। पोहा नाउ, मूंगफली भी इसमें पड़ चुकी है, तड़के के अंदर पड़ गई है मूंगफली। पोहा बनाने वाले शेफ ने सारा का सारा बर्तन खड़ेर दिया है और गुस्से में पोहा बन रहा है, और ये गिर रहा है पोहा इसके अंदर। लग रहा है पोहे के साथ साथ कटोरी वगैरह भी आज खानी पड़ेगी। आप देख सकते हैं कलर कितना प्यारा है पोहे का, पोहा। तो अब पोहे में हल्दी, मसाला, अजवाइन, जीरा, दही सब कुछ लग चुका है और ये खाने के लिए तैयार है। नमक भी पड़ चुका है, नमक डाल दिए हो ना। ब्यूटीफुल बना हुआ है, बहुत ब्यूटीफुल बना हुआ है, बहुत ही ब्यूटीफुल बना हुआ है। आप देख सकते हैं, आपको जूम करके दिखा रही हूँ, एक एक पोहा आपको दिख रहा होगा। ये देखो और पोहे के साथ ही दूसरे तवे पे बन रहा है दाल वाली रोटी, आप देख सकते हैं, इसको पराठा भी बोल सकते हैं। और इसके साथ ही हमारा बना हुआ है छोले, जो कि इस कुकर में आप देख सकते हैं इतना सारा छोले है, और ये ही आज नाश्ता किया जाएगा। तो तब तक के लिए आप खाइए पोहा, मिलते हैं अपने दूसरे वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय।